नमस्कार, मैं वैशाली। मेरे इस YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ व्रत के लिए समा के चावल की इडली। समा के चावल, जिसे हम वरई के चावल भी बोलते हैं, मूर्धन भी बोलते हैं और महाराष्ट्र में इसे भगर भी बोलते हैं, और ये बहुत हेल्दी चीज़ है और व्रत में हम इसका यूज़ करते हैं। तो आज मैंने इसकी इडली बनाई है, और सबसे अच्छी बात है कि मैंने इसमें किसी भी इनो का, सोडा का यूज़ नहीं किया है। नेचुरल तरीके से बनाया है, जिस तरह से हम चावल की इडली फर्मेंटेशन करके बनाते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरह से बनाया है। अगर आपको मेरी इडली की रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए देखते हैं किस तरह से मैंने समा के चावल की इडली बनाई है। और आप देख सकते हो कि इडली कितनी बढ़िया बनी है, बहुत ही अच्छी फूली दिख रही है, जालीदार दिख रही है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा व्रत में। समा के चावल की इडली बनाने के लिए देखिए, मैंने समा के चावल को पीस लिया है, बिल्कुल सूजी की तरह कर लिया। अगर आपके पास समा के चावल का आटा है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। और अच्छे रिजल्ट के लिए क्या करूंगी मैं, ये पीसने के बाद में इसे भून लूंगी। समा के चावल का जो आटा तैयार किया है, बिल्कुल सूजी की तरह, और ज्यादा नहीं भूनना, हल्का सा भूनेंगे, 2 से 3 मिनट, बिल्कुल धीमी आंच पे। इसे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत ही बढ़िया इडली स्पंजी बनती है, खिली खिली बनती है। तो ये देखिए, समा के चावल के आटे को मैंने भून लिया था, अब ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। तो अब मैं इसे भिगो के रखूंगी और छाछ में, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। क्योंकि मैं बिना सोडे के बना रही हूँ, इंस्टेंट नहीं बना रही हूँ, नॉर्मल तरीके से बना रही हूँ कि पूरी रात रखने के बाद इसमें फर्मेंटेशन आ जाए तो इडली तैयार होगी। अगर आप इंस्टेंट बनाना चाहते हो तो ये आटा पूरी तरह से ठंडा हो जाए, उसके बाद आप इसका बैटर बनाइए, आप दही डालिए थोड़ा, तो टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। और आप जो चीज़ यूज करते हो, या इनो डाल सकते हो या सोडा डाल रहे हो, वो डाल करके इंस्टेंट इडली बना सकते हो। लेकिन मैं सोडे का यूज नहीं कर रही हूँ, तो रात भर के लिए बैटर बना करके रखूंगी और सुबह इसकी इडली तैयार करूंगी। समा के चावल को जो मैंने रात भर भिगो के रखा था, तो बहुत ही बढ़िया फर्मेंटेशन आ चुका है। तो ये देखिए, बहुत ही बढ़िया, ये देख सकते हो आप कितना बढ़िया हमारा बैटर तैयार हुआ है इडली बनाने के लिए। तो अब हम इसकी इडली बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इडली के ये मोल्ड्स ले लिए हैं, सांचे ले लिए हैं। तो अब मैं इनमें ऑयल लगा देती हूँ और पानी गर्म करने के लिए रख दिया है मैंने इडली बनाने के लिए। आप इसे इडली भी बना सकते हो, ढोकला भी बना सकते हो व्रत का। ऑयल लगा दिया मैंने, इससे ये होगा कि आसानी से हमारी इडली निकल जाएगी। तो ये देखिए, बैटर को मैं मिक्स कर लेती हूँ, और नमक हमने पहले ही डाला हुआ था। तो सभी में मोल्ड में मैं बैटर डाल दूंगी इडली का। ये देखिए, एक सांचे में मैंने बैटर डाल दिया है, अब बचा हुआ बैटर दूसरे में सांचे में डाल दूंगी। आप इसे भी और टेस्टी बना सकते हो इडली को, इसमें काली मिर्च पाउडर डाल सकते हो और जीरा भी डाल सकते हो, भुना जीरा, जिससे इडली और टेस्टी लगेगी। इससे पहले भी मैंने एक व्रत वाली इडली की रेसिपी बनाई हुई है। तो ये देखिए, इडली के सांचे में मैंने पानी डाल दिया था, लगभग 1 से 1.5 गिलास, और अब मैं इडली के सांचों को रख दूंगी। और पानी अच्छी तरह से गर्म होने के बाद ही रखें सांचों को। ये देखिए, दोनों सांचे मैंने रख दिए हैं, अब मैं ढक्कन लगा दूंगी और फुल आंच पे लगभग 15 से 20 मिनट पका लेंगे। तो हमारी व्रत वाली इडली को बनते हुए लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, तो हम देख लेते हैं एक बार। अभी गैस ऑन है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया इडली बनी है, आप देख सकते हो ऊपर से क्रैक भी हो गई है। तो अब मैं गैस ऑफ कर देती हूँ, 2 मिनट के लिए इसे ढक के रख देती हूँ, और उसके बाद मैं प्लेटों को बाहर निकालूंगी सांचों को, और ठंडा होने के बाद हम इडलियों को डीमोल्ड करेंगे। ये देखिए, व्रत वाली इडली को मैंने निकाल के रख दिया था, अब ये हल्की ठंडी हो चुकी है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ चाकू से, इस तरह से किनारे से अलग कर लेंगे।
ये देखिए बहुत ही अच्छे से निकल गई इडली। ये देखिए बहुत ही बढ़िया जालीदार बनी है। ये देखिए आप देख सकते हो कितनी बढ़िया बनी है इडली, और आप जाली देख सकते हो बहुत ही अच्छी आई है और अच्छी तरह से फूली भी है। और हमने इसमें किसी सोडा का यूज़ नहीं किया, नॉर्मल तरीके से बनाया है। और मैं व्रत में किसी सोडे का यूज़ नहीं करती हूँ, आप चाहे तो कर सकते हो। तो अब मैं इडली को प्लेट पर निकालती जाती हूँ। आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से निकल रही है इडली। तो ये देखिए समा के चावल की व्रत वाली इडली बनके तैयार है खाने के लिए। और मैंने इसके साथ में मूंगफली दाना और हरे धनिया की चटनी रखी हुई है। अगर आप हरे धनिया व्रत में नहीं खाते हो तो आप नारियल की मूंगफली की चटनी बना सकते हो दही के साथ में, जो बहुत टेस्टी लगती है। तो अगर आपको मेरी व्रत वाली इडली की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।